एपिसोड 148, सालों से दबा एक रहस्य। छलावा के बाबा ने जैसे ही कहा, अकाया की तमाम शक्तियां, उसकी माया, हर चीज बंजारन से जुड़ी हुई थी। और जैसे ही बंजारन को जल समाधि दी गई, उसके साथ ही अकाया की भी सारी शक्तियां और माया उसी जल में समाहित हो गई। उनकी ये सारी बातें सुनकर ध्रुव उनके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला, वाकई अब तो मुझे भी लगता है, नहीं लगता नहीं बल्कि मुझे यकीन होने लगा है कि आपका और अकाया का कुछ बहुत गहरा नाता रहा होगा। मेरा मतलब है आमना सामना बहुत तगड़े तरीके से रहा होगा, वरना इतना सब कुछ जान पाना बहुत आश्चर्य की बात है। ध्रुव की बात सुनकर छलावा के बाबा ने छलावा से कहा, छलावा रात हो चुकी है और मेरी रात की पूजा का समय हो रहा है, अपने मेहमानों से कहो फिर कभी आए। छलावा ने धीरे से कहा, बाबा ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि मेरे दोस्त हैं। ध्रुव छलावा की परेशानी समझता हुआ बोला, कोई बात नहीं छलावा, वैसे भी हमें घर चलना होगा, रात हो चुकी है तो हम फिर कभी आएंगे तुम्हारे बाबा से मिलने। इतना कहकर ध्रुव ने छलावा के बाबा की तरफ देखा, लेकिन छलावा के बाबा ध्रुव या किसी की तरफ देख नहीं रहे थे, बल्कि वो एक तरफ दीवार को घूरे जा रहे थे। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ निकल गया और छलावा उसे बाहर तक छोड़ने आया और बोला, मैं तुम लोगों से कल सुबह मिलता हूँ। और ध्रुव ने छलावा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन छलावा सुन, तेरे बाबा से बात करके मुझे लगा है तेरे बाबा के पास ऐसी बहुत सी जानकारी है जो हमारे काम की है, जो कि बाबा किसी वजह से वो जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो तू उनसे बात करके देख। छलावा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और विकी, ध्रुव और तारा वहां से चले गए। अभी ये लोग विकी के घर के बाहर ही पहुंचे थे कि किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। घर के भीतर से इतने जोर से आती आवाज से ध्रुव ने हैरानी से कहा, आखिर इतने जोर जोर से कौन हंस रहा है? और फिर ध्यान देने पर ध्रुव बोला, ये तो अनन्या के हंसने की आवाज है। और तभी सुमेर की आवाज भी सुनाई दी, जो शायद अपने किसी पुराने दिनों की यादों के बारे में बता रहा था, जिस पर अनन्या हंस रही थी। सुमेर की आवाज सुनकर ध्रुव के साथ साथ विकी और तारा की आंखों में भी नाराजगी साफ दिखने लगी थी। घर के भीतर कदम रखते ही इन लोगों ने देखा, अनन्या और सुमेर आमने सामने बैठे हुए थे और बात करने में मशगूल थे। ध्रुव पर नजर पड़ते ही सुमेर ने कहा, अरे ध्रुव आओ आओ, इतनी रात में कहाँ थे? मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से मिलकर आज दिन के अपने बर्ताव के बारे में माफी मांगू और कुछ टाइम तुम लोगों के साथ बिताऊं, लेकिन जब मैं आया तो तुम थे ही नहीं, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, मैं बस अब निकलने वाला था, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। विकी ने हैरानी से कहा, हमारी इतनी दोस्ती कब से हो गई सुमेर? सुमेर मुस्कुराकर आगे बढ़ता हुआ बोला, दोस्ती का क्या है विकी, दोस्ती किसी वक्त की मोहताज थोड़ी है। अब देखो ना, हम इतने वक्त से पाली में एक साथ रह रहे हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, और तुम्हें अब भी लगता है कि हम दोस्त नहीं है? तो मैं हैरान हूँ तुम्हारे इस बात से, तुम्हें क्या लगता है ध्रुव कि क्या हम दोस्त नहीं है? ध्रुव ने सुमेर की इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, सुमेर तुम्हें किसी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें एहसास हुआ है कि गलती हमारी थी, माना कि तुमने हमें अपनी हवेली में आकर घूमने की इजाजत दे दी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम हवेली के हर कोने और हर बंद कमरे को खोल खोल कर देखें, तुम्हारी कुछ प्राइवेट चीजें भी हो सकती थी। अनन्या ने जब बताया कि वो कमरा तुम्हारी माँ का है, तो मुझे एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई है और हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। सुमेर जो ध्रुव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका था, उसने जब ध्रुव की इस तरह की बातें सुनी तो उसने ध्रुव की आंखों में झांकते हुए कहा, गलती की अगर बात करें तो तुम लोगों की गलतियों का तो कोई अंत ही नहीं है, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती उस कमरे में जाना नहीं, बल्कि उस कमरे के माध्यम से जो तुम लोगों ने मेरी मेहनत पर पानी फेरा है वो है, जिसकी भरपाई तुम कभी नहीं कर पाओगे। जानी सुमेर के लहजे में इस वक्त क्या था कि ध्रुव हैरान रह गया था, और ध्रुव ने सुमेर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, क्या इसका मतलब इसे इस बात का पता है कि हम समय में चले गए थे? हाँ, तभी तो ये आज वो दरवाजा नहीं खोलने की कोशिश कर रहा है, वो सब तो पहले ही हो चुका है और इसीलिए ये हम लोगों से मिलने आया है। लेकिन ध्रुव के कुछ कहने से पहले विकी ने कहा, कौन सी गलती की बात कर रहे हो तुम, और हमने ऐसा क्या कर दिया है उस कमरे के माध्यम से, हमने तुम्हारे कौन से मेहनत पर पानी फेर दिया है? सुमेर का लहजा जो अचानक से कड़क हो चुका था वो एकदम से सामान्य हो गया, और सुमेर ने कहा, यही कि मैंने उस कमरे को सालों से बंद करके रखा था, उस कमरे में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी, किसी को ये नहीं पता था कि उस कमरे में मेरी स्वर्गवासी माँ की यादें हैं, और उसी कमरे में जाकर मैं अपने अकेलेपन और अपने दुख को बांटा करता हूँ, और इतने वक्त से जो राज मैंने इतने मेहनत से बचा कर रखा था और आज तुम लोगों ने जान लिया है, और जाहिर बात है
कि जब आपके राज का कोई एक राजदार हो जाए तो फिर वो कोई राज नहीं रहता। और ध्रुव ने उस बात को खत्म करने के इरादे से कहा, फिक्र मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ना हमारा तुम्हारी हवेली से कोई लेना देना है, ना उस कमरे से। ये सुनकर सुमेर ने धमकी भरे अंदाज में कहा, मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना ना हो, वरना कई बार इंसान ना चाहते हुए भी अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं, जिस अच्छाई को बचाने में और बनाने में उसकी पूरी जिंदगी लग जाती है। खैर अब मैं चलता हूँ, अनन्या अपना ध्यान रखना और अपने दोस्तों का भी। अनन्या मुस्कुराती हुई सुमेर को बस देखती रही। सुमेर के जाने के बाद अनन्या ने अपने दोस्तों से कहा, देखा तुमने, तुम लोग बेकार में सुमेर को गलत समझते हो, कितना जेंटलमैन है सुमेर, उसे एहसास था कि उससे गलती हुई है और तुम लोगों से बात करने आ गया। खैर चलो, सजनी ने खाना बना लिया, चलकर खाना खाते हैं। एक तरफ जहां विक्की के घर पर ध्रुव और बाकी सब खाना पीना खाने में लग गए थे, और उसके बाद उन लोगों ने आराम करने का फैसला किया था, क्योंकि सबका दिमाग जैसे काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। समय बेशक नहीं बीता था, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव और बाकी सारी चीजें हुई थी, जिसके बाद ध्रुव और बाकी लोगों के दिमाग को थोड़े से आराम की सख्त जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ छलावा की झोपड़ी में छलावा खाना बनाने में व्यस्त था, और उसके बाबा वहीं झोपड़ी के कोने में बैठकर हाथ में माला लिए अपना जाप कर रहे थे। छलावा कभी आग पर पकते हुए खाने को देखता और कभी अपने बाबा को देखता। छलावा अपने बाबा से कई सारी चीजें पूछना चाहता था, लेकिन उसके बाबा का जाप खत्म ही नहीं हो रहा था कि वो अपना सवाल कर पाता। तभी छलावा को ऐसा लगा जैसे उसकी झोपड़ी के बाहर कोई चल रहा है, किसी के कदमों की आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। छलावा को हैरानी हुई कि इस वक्त उसकी झोपड़ी में कौन हो सकता है। छलावा की झोपड़ी उस जल समाधि वाले कुएं और उस वशीकरण खंडहर के सबसे नजदीक थी, जिस तरफ रात के वक्त बहुत कम ही लोगों का आना जाना होता था। छलावा ने देखा उसके बाबा अब तक अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, तो उसने खुद ही उठकर बाहर आकर देखने का सोचा। छलावा अपने हाथ में लालटेन उठाकर धीरे से बाहर आया, और बाहर आकर उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, कोई है क्या? लेकिन उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। छलावा को लगा शायद कोई बिल्ली होगी, या तो हवाओं से पेड़ों के पत्ते हिले होंगे, जिससे उसे लगा होगा कि कोई है। छलावा वापस अपनी झोपड़ी में आने के लिए मुड़ गया। छलावा जैसे ही अपनी झोपड़ी में आने के लिए मुड़ा, उसे किसी औरत की चूड़ियों की खनखन की आहट सुनाई दी। छलावा ने चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा। इस बार उसने देखा कि एक अजीब सा साया उसके घर के सामने लगे विशाल जामुन के पेड़ के पीछे कहीं जाकर छुप गया है। ये देखकर छलावा के दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। छलावा ने दोबारा पूछा, कौन है, कोई है क्या? लेकिन किसी की आवाज नहीं आई। ना जाने छलावा के मन में क्या आया, उसने धीरे धीरे अपने कदम उस जामुन के पेड़ की तरफ बढ़ा दिया। जो जामुन का पेड़ दिन में छांव देता था और बड़ा ही मनमोहक लगता था, वही रात के अंधेरे में डरावना और मनहूस सा लग रहा था। अपने घर के आसपास छलावा को आज पहली बार डर का एहसास हो रहा था, वरना बचपन से अब तक रात हो, शाम हो, दिन हो या कोई भी वक्त हो, छलावा बेधड़क आना जाना करता था, लेकिन आज से पहले उसे कभी इस तरह की कोई चीज महसूस नहीं हुई थी। छलावा धीरे धीरे जामुन के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। उस पेड़ के पास पहुंचकर उसने एक झटके से उसके उस पार झांक कर देखा, लेकिन वहां सिवाय खाली अंधेरे के और कुछ नहीं था। अचानक लालटेन की रोशनी पड़ने से पेड़ों की डालियों में छुपी गिलहरियां इधर उधर भागने लगी थी। तभी छलावा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और घबराहट में छलावा के हाथ से लालटेन छूट गया और लालटेन का शीशा टूट गया और छन से आवाज आई। छलावा ने कांपते हुए पीछे देखा तो उसके बाबा पीछे खड़े थे। उसके बाबा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अपने बाबा को देखकर छलावा की जान में जान आ गई थी, लेकिन वहीं छलावा को इतना डरा देखकर उसके बाबा ने पूछा, बेटा छलावा क्या हो गया, तू इतना क्यों डर गया, और ये बता तू यहाँ कर क्या रहा है? छलावा ने टूटे हुए शीशे के लालटेन को, जो कि बुझ चुका था, उसे उठाते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, दरअसल आप जाप कर रहे थे और मैं खाना बना रहा था, लेकिन मुझे लगा जैसे अपनी झोपड़ी के बाहर कोई है। जब मैं आया तो कोई नहीं था, तभी मुझे किसी औरत की चूड़ियों की आवाज सुनाई थी और मैंने देखा कोई इस जामुन के पेड़ के पीछे आया है, मैं वही देख रहा था लेकिन कोई नहीं था। छलावा की बात सुनकर छलावा के बाबा की आंखों में अजीब सी कश्मकश दिखने लगी थी। छलावा के बाबा ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, जैसे वो वहां की हवाओं में कुछ महसूस कर रहे थे, और फिर उन्होंने छलावा से कहा, चल अंदर चल, देख बेटा आजकल पाली की हवाएं कुछ ठीक नहीं है, और तू ठहरा मेरा भोला भंडारी, तू कुछ समझता नहीं है, इस तरह रात बीते बाहर निकलकर इधर उधर ना जाकर, आ जा। इतना कहकर उसके बाबा बड़े प्यार से छलावा को लेकर झोपड़ी के भीतर कदम बढ़ाने लगे।
झोपड़े के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पीछे पलट कर देखा और उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन छलावा के साथ होने की वजह से उस वक्त वो चुपचाप अंदर चले गए थे। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उन सबको भूलकर छलावा और उसके बाबा खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए छलावा बार बार अपने बाबा की तरफ देख रहा था। छलावा के बाबा ने गौर किया कि छलावा कुछ कहना चाहता है और उन्होंने पूछा, क्या बात है, कुछ कहना है? छलावा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तब छलावा के बाबा बोले, तो बोल ना, इतना सोच क्या रहा है? और छलावा ने कहा, बाबा आप, मेरा मतलब है आपने जो मेरे दोस्तों को अकाया के बारे में बताया था वो सब क्या था? मेरा मतलब है कि आप कैसे जानते हैं अकाया के बारे में? क्या वाकई आपका उनसे सामना हुआ था? क्या उन्होंने कभी आप पर हमला किया था? छलावा के बाबा के बढ़ते हाथ मुंह तक जाते जाते रुक गए और उन्होंने छलावा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना इन बातों को यहीं छोड़ दे, और सुन, तू उन लड़कों से दूर रहना शुरू कर दे, वरना तू भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर छलावा के बाबा अपने मन में बोले, मैं नहीं चाहता कि उन लड़कों की खोजबीन का नतीजा कोई ऐसा रंग रूप लेकर आए कि जिसे मैं सालों से छुपा रहा हूँ वो उजागर हो जाए। छलावा समझ गया था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसके बाबा उसे कुछ नहीं बताएंगे, और इसलिए उसने इस वक्त ज्यादा कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। रात के खाने के बाद छलावा और उसके बाबा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक उसके बाबा खटिया से उठ बैठे और जमीन पर सो रहे छलावा की तरफ देखकर ये पक्का किया कि क्या वो सो रहा है, और फिर अपनी लाठी लेकर झोपड़ी के बाहर निकल आए। झोपड़ी के दरवाजे को बाहर से बंद करके सीधा बाहर की तरफ बढ़ गए। मैदानी रास्ते को पार करके उस जल समाधि वाले कुएं के पास जाकर छलावा के बाबा रुक गए और एक एक कदम बढ़ाते हुए उस कुएं के नजदीक जाने लगे। वो कुआं जिसके पास दिन में भी पाली का कोई सदस्य नहीं जाता था, यहाँ तक कि पाली के रास्ते से गुजरने वाले कोई यात्री भी उसके इर्द गिर्द नहीं जाते थे, क्योंकि पाली और उसके आसपास के गांव में उस कुएं के बारे में सबको पता था। लेकिन छलावा के बाबा उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे उन्हें ना तो उस कुएं से कोई भय हो और ना ही उससे जिसका इस कुएं में आतंक है। कुएं के नजदीक जाकर छलावा के बाबा ने कहा, मैं आ गया हूँ, क्या आ गया है मेरे लिए? आखिर क्यों आप मेरी झोपड़ी के आसपास भटक रही थी? मेरा बच्चा डर गया था। आपने मुझसे वादा किया था कि आप जो चाहती हैं मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप कभी भी मेरे घर के आसपास नहीं आएंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरे बच्चे को आपके अस्तित्व का आभास भी हो। वो एक मासूम इंसान है, आपके इस रवैये से वो डर गया है। उनकी इस बात पर वहां जोर जोर से किसी औरत के ठहाके की आवाज आने लगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये हंसी की आवाज खुद बंजारन की थी। ठहाकों के बाद बंजारन की आवाज गूंजी, तुम्हारा बच्चा? मानना पड़ेगा किंकर, मैं इस कुएं में क्या वास करने लगी, तुम तो पूरे तरीके से मानव बन गए। तुम्हें क्या लगता है इंसानी बच्चे को पाल लेने से तुम उसके पिता और वो तुम्हारा बच्चा बन जाएगा? क्या तुम अपनी हकीकत भूल गए हो? छलावा का वो बाबा जिसने छलावा को पाल पोस कर बड़ा किया था और जो छलावा के लिए उसकी पूरी दुनिया है, वो तो कोई इंसान था ही नहीं। सालों से दबा ये रहस्य कि छलावा का बाबा वही किंकर था जो सालों पहले बंजारन का सहायक हुआ करता था और जो आज भी बंजारन का कोई काम कर रहा था।